आपने मुझे बताया था ना कि सदा ने भी गलत रास्ते चुन लिए थे, तो फिर गलत रास्ते की मंजिल सही कैसे हो सकती है? और अब तो वो आपके कॉलेज के दोस्त भी नहीं है, क्या आप उन्हें डांट के फटकार के सही रास्ते दिखा सके? इसी बात का तो सबसे ज्यादा दुख है कि काश हम कॉलेज में होते, काश मैं उसको डांटता, काश उसको समझा पाता कि जिस राह पर तो चल पड़ा है उसका अंत या तो जेल है या तो। तुम ठीक कह रही हो सही, हम अपनी राह खुद ही चुनते हैं। सदा ने गलत राह चुनी है, उसका अंजाम भी गलत ही होगा। छोड़ो ये सब, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ये क्या है? इसके अंदर इसमें मेरे रीएडमिशन का कंफर्मेशन है। अब मैं दिवाली की छुट्टियों के बाद फिर से कॉलेज ज्वाइन कर सकती। क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन सही। थैंक यू। एंड आई एम सॉरी, तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है मुझे और मैं तुम्हें ढंग से कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। सही, अगर ये सब नहीं होता ना आज, तो इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें डिनर पे ले जाता। शॉपिंग के बाद सबने इतना सुनाया है ना कि उससे मेरा एकदम पेट भर चुका है। अब कहीं बाहर जाके अलग से डिनर करने की जगह इसमें तो नहीं है। हाँ, ग्रीन टी पी जा सकती है। ठीक है, तो ग्रीन टी ही सही। ठीक है, रात को डन रहा हमारे अड्डे पर। हमारे अड्डे पर मतलब तुम्हारे कमरे में? मेरे कमरे में? अरे तो फिर कहाँ है? एक स्पेशल जगह, रात को पता चल जाएगा। रात को? तब तक चलिए ये खाइए। अरे नहीं सही, कोई बहाना नहीं चलेगा सही, और खाना तो सुनो पड़ेगा। विराट एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या हुआ? अब यहाँ क्या बात करनी है तुम्हें? अब तुमने तो मुझे अपने कमरे में आने से मना ही कर दिया है, और खास तौर पर तब जब तुम्हारी प्यारी बीवी वहां नहीं होती है, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं तुमसे बात कर लूं। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है पाखी, कि घर वालों के सामने और स्पेशली मेरे सामने सही को उल्टा बोलना या उसे टॉन्ट मारना छोड़ दो, लेकिन फिर भी तुम वही कर रही हो। तुम सही को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती हो। बात बात पर हमारे रिश्ते और हमारे रहने के तौर तरीकों पर सवाल उठाती रहती हो, और हर बार यही सोचकर मैं चुप हो जाता हूँ कि शायद तुम किसी प्रॉब्लम में होगी, किसी उलझन में होगी। लेकिन कब तक, कब तक मैं तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर चुप रहता रहूंगा? मैं मानती हूँ विराट कि मैं कभी कभी कुछ ज्यादा कड़वा बोल देती हूँ। मैंने आज भी तुम्हारे दोस्त सदा की बात सुन के पता नहीं बिना सोचे बिना जाने क्या क्या नहीं बोल दिया। इसलिए मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए इतनी देर से तुम्हारा यहाँ वेट कर रही थी। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती विराट, और जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ सदा ही क्यों, तुमने मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड को भी बहुत कुछ कहा है। समझ तो आ ही गया होगा किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। खैर छोड़ो, नाम ले ही लेता हूं मैं, सही के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तुम जब भी सही को उल्टा कुछ बोलती हो ना, बाकी तुम जब भी उसे कुछ बोलती हो ना, मुझे बहुत दुख होता है। दुख होता है विराट, ठीक है, लेकिन मेरे दुख का क्या? जो मैं महसूस करती हूँ उसका क्या? तुम तो अपनी सो कॉल्ड बीवी, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खुश हो, लेकिन मेरा क्या? तुम्हारा क्या? क्यों हर बात में खुद को बीच में लाना जरूरी है तुम्हारा? जिसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें भी तुम्हें घुसना है? क्योंकि तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करते रहते हो विराट। कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं बाकी, तुम और मैं दूर है, यही सच है। तो फिर उन बातों का क्या विराट, जो तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम हमेशा मेरे दोस्त बनकर रहोगे, उसका क्या? क्या वो सब सच नहीं था? तुम्हारी कही हर बात झूठ थी विराट। मैं आज भी मानता हूं
कि तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन हमारी दोस्ती का रिश्ता मेरे लिए हमारे उस रिश्ते से कभी बड़ा नहीं हो सकता जो तुम्हारे और सम्राट की शादी के बाद बना है। सही, मुझे यहां बुलाकर कहां चली गई? सही, और ये टेरेस की लाइट्स ऑफ क्यों है? वेलकम टू हमारा अड्डा। हमारा अड्डा वाव है, वाव। सही, मतलब ये सब तुमने कब, कैसे? और आप अपने दोस्त को बाहर रेस्टोरेंट में ट्रीट देने के लिए लेके जाना चाहते थे, अब वो तो पॉसिबल है नहीं, तो मैंने आप दोनों के लिए वो सेटअप यहाँ अंदर घर में ही कर दिया। आई होप यू लाइक इट सर। वैसे ये सब तो ठीक ही है, मुझे मेरी फ्रेंड नजर नहीं आ रही है, अब मैं अकेले अकेले ये सब कैसे एंजॉय करूं? वन मिनट सर। हेलो मिस्टर मोदक। हेलो मिस मिर्ची। सच कहूं, आज तुमने फिर से मुझे सरप्राइज कर दिया है। सही, क्या मतलब, ये जो तुमने सजावट की है ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब देख कर ना मुझे वो अपना महाबलेश्वर वाली मैगी नाइट याद आ गई ना, मुझे भी। और आपने वो जो अरेंजमेंट किया था कितना सुंदर था, और वो जो नूडल्स बनाए थे स्टोव पर गर्मा गर्म, कितने टेस्टी थे, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। बस उसका अगला दिन थोड़ा, नहीं अगले दिन की बात हम रहने देते हैं प्लीज। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। Congratulations for your admission. Thank you. Cheers. Cheers. आपको पता है? क्या? मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा नागपुर मेडिकल कॉलेज में रीएडमिशन हो गया, और मैं इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज छोड़ के जाने वाली थी। बताओ। लेकिन अब मैं फिर से उसी कॉलेज में जा रही हूँ, मुझे तो ना एकदम सपने जैसा लगता है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि सही ने ये सब मेरे लिए किया है। आपको पता है मैं कॉलेज क्लासेस अटेंड करना सब कुछ कितना मिस कर रही हूँ। कभी कभी तो मुझे पता है वहम होता था कि मैं एक्चुअल में लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल में पड़ी बड़ी दिन रात दवाइयाँ खा रही होती थी। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ फिर से लेक्चर्स अटेंड करने के लिए, मैं फिर से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूंगी, अपने दोस्तों की टांग खींचूंगी, लेक्चर्स बंक करूंगी। लेक्चर्स बंक? नेवर। डोंट टेल मी तुमने आज तक एक भी लेक्चर बंक नहीं किया। मैंने सच में कभी कोई लेक्चर बंक नहीं किया है। कितनी बोरिंग हो तुम। आपको मैं बोरिंग लगती हूँ? नहीं, आई मीन I'm really surprised कि तुमने आज तक एक भी लेक्चर बंक नहीं किया, मतलब एक भी नहीं। कभी नहीं। ओ, तभी मैं सोचूं तुम सबसे अलग क्यों? क्योंकि जो सब करते हो तुम नहीं करती, और तुम जो करती हो और किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं समझ गई,
कि अगर मुझे कॉलेज लाइफ में कोई भी एडवाइस चाहिए तो वो मैं आपसे तो नहीं ले सकती, आप तो मुझे बिगाड़ दोगे। ओ, तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में इतना इन्फ्लुएंशियल हूँ कि मेरे कहने से तुम्हारे तौर तरीके बदल जाएंगे? बिल्कुल, अरे बदल सकते हैं, मतलब बदल चुके हैं। आपसे शादी के बाद मैं ज्वेलरी पहनने लगी हूँ, मैं कभी ज्वेलरी पहनती थी लेकिन अब देखो।